तो वहीं इसी दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मीडिया सलाहकार रुचि गर्ग ने कहा है कि सरकार इसे चुनौती नहीं मानती, तो सीएम के कृषि और ग्रामीण विकास सलाहकार प्रदीप शर्मा का कहना है कि नरवा गरुवा घुरुवा बारी के निर्माण के लिए आने वाले आवेदन इसकी सफलता को खुद ही बयान कर रहे हैं। दोनों सलाहकारों से खास बातचीत की स्वास्थ्य संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। रुचि गर्ग जी है जो की मुख्यमंत्री के सलाहकार है, ये जन चौपाल है, पहला इंटरेक्शन प्रोग्राम है ऑफिशियली, हालांकि सीएम तो अलग अलग जगहों पे जा जाकर मिलते रहे हैं, क्या रिस्पांस आपके सामने है? रिस्पांस देख लीजिए, आप दिखा रहे हैं सुबह से टेलीविजन पर कि किस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी है, तो ये अपने आप रिस्पांस है। जिस तरह से जिस लोकप्रिय सरकार आई है, जितनी सीटों के साथ आई है, चीफ मिनिस्टर की जो लोकप्रियता, वो सारी चीजें यहाँ नजर आ रही है। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है कि उम्मीदें भी साथ में आई हैं। उम्मीदें हैं बिल्कुल, जन आकांक्षाओं की सरकार है तो वो आकांक्षाएं यहाँ नजर आ रही है। उम्मीदों को बोझ की तरह नहीं देखती है सरकार, उम्मीदों को ही तो पूरा करने के लिए सरकार है, जितना संभव होगा जो होगा। चीफ मिनिस्टर आप जानते हैं कि कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें उसी का हिस्सा ही है। क्या इसका असर होगा, क्या आने वाले समय में और लोग आएंगे, क्योंकि इसको संभालना भी एक चुनौती होगी जो ज्यादा क्राउड होगी। चुनौती किसी चीज को नहीं मानी जा रही है, हर चीज की व्यवस्था की गई है, और सुबह एक ऐप लॉन्च किया है इसी खास मकसद के लिए, इसके लिए अलग से टीम है, तो जो संभव कोशिश होगी, लेकिन उसको चुनौती की तरह नहीं, उसको जिम्मेदारी की तरह ये सरकार देखती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दूसरे सलाहकार प्रदीप शर्मा जी हैं जो कि नरवा गरुवा घुरुवा बारी के पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, ग्रामीण विकास से जुड़ी सलाहें देते हैं। एक बहुत डिमांड, जैसे खास तौर से बताया चौबे जी ने, कि जांजगीर, रायगढ़, रायपुर, बलौदा बाजार, इन इलाकों से नरवा गरुवा भी पायलट प्रोजेक्ट की तरह है, लेकिन डिमांड बहुत आ रही है, तो इसको किस तरह से देखें? ये पहली चीज तो ये है कि किसानों की अपनी एक आवाज थी जिसको सरकार ने योजना का स्वरूप बनाया, ये गांव में एक जरूरत थी, और हमको ये पता था कि सब लोग खुले चरवाही से बहुत परेशान है, नालों में पानी नहीं है, वो रोकना चाहते हैं, बाड़ी सबको चाहिए, तो इसलिए ये जो डिमांड उभर के आ रही है, ये पहला तो बहुत ये बहुत आशा को बढ़ाने वाला है, ये कार्यक्रम सफल होगा। दूसरा ये है कि इससे एक बार और हम लोगों को ये जस्टिफिकेशन मिला कि जो हम कर रहे हैं वो सही रास्ते पे है। चलिए, तो ये थे प्रदीप शर्मा जो बता रहे थे कि किस तरीके से नरवा गरुवा घुरुवा बारी जो कि अभी लागू नहीं हुआ है पूरी तरह।